धन्यवाद विनीता जी, नमस्कार। और ये बात सबसे पहले तो ये कि आपसे बात करके हर बार ये तो एहसास होता है कि आप में पॉजिटिविटी बहुत है। धन्यवाद धन्यवाद विनीता जी। तो आज डॉक्टर साहब हम बात करेंगे थोड़ी कॉमन आयुर्वेदा टिप्स की भी अपने लिसनर्स के लिए कि आजकल जो ये महामारी का दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, उससे हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि हमें डाइट क्या लेनी चाहिए। इसमें हमें आजकल की डाइट में अपने खाने में सौंठ का प्रयोग करना चाहिए, जो भी हम खाना बनाते हैं दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। त्रिकटू मेंशन्ड है इसमें, सौंठ, मरिच, पिपल, मरिच काली मिर्च को बोलते हैं, पिपली भी एक गर्म मसाले में डलती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना लेना चाहिए जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, और कुछ खाने जैसे सोहांजन है उसके पत्ते ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन है। करेला एडवाइज है, परवल आजकल बहुत इजीली मिल रहा है वो खा सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, चौलाई लेनी चाहिए, और द्राक्षा एडवाइज यानी किशमिश ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, लहसुन अपनी डाइट में हमें यूज़ करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मीठे खाने और बहुत हैवी फूड्स नहीं लेने चाहिए, या फ्राइड या चिल्ड जो कि ईजिली डाइजेस्ट ना हो, और फर्मेंटेड फूड भी थोड़ा टाइम को इस डिजीज के परिप्रेक्ष्य में अवॉइड करने चाहिए, और जितने भी रेफ्रिजरेटेड फूड हैं वो भी एडवाइजेबल हैं कि वो ना लें। तो रेफ्रिजरेटेड फूड तो खैर नहीं ही लेने चाहिए, तो इसका मतलब आजकल जैसे गर्मी का बहुत दौर है तो ऐसे में ठंडा लेना बिल्कुल अवॉइड करना आप सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जैसे आपको मैंने बोला आप अनार ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा पित्त शामक है, मतलब जिसको अगर एसिडिटी भी होती है, गर्मी होती है, तो अनार बहुत जल्दी उसको ठीक करता है बिना किसी गोली के भी। अगर एसिडिटी क्रॉनिक प्रॉब्लम भी है तो हम अनार से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे हम फ्रूट्स ले सकते हैं लंच से पहले, लेकिन वो चिल्ड नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का ध्यान हमारे लिसनर्स रखेंगे तो एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसका एक प्लस पॉइंट और भी है विनीता जी, अगर जैसे पहले गर्मी में लोग शेक्स पीते हैं या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या, तो वो वेट ही बढ़ाती हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए फ्रूट्स जो हैं वो वेट उतना नहीं बढ़ाते क्योंकि रफेज बहुत होती है, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी एडवाइस है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, जैसे आजकल ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है सबके ऊपर, जो हो रहा है, जितनी न्यूज़ सुनते हैं, जितना देखते हैं अपने आसपास, एक मानसिक तनाव की स्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, तो मेंटल सिचुएशन हमारी कैसे होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस है इसके बारे में? जी, तीन तरह के सत्व आयुर्वेद में मेंशन्ड है, एक प्रवर सत्व है, एक मध्यम सत्व और एक अवर सत्व। ये प्योर हिंदी है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। प्रवर सत्व वो होता है जो बेस्ट साइकी है, जो हर एक प्रॉब्लम में वो ऐसा इंसान होता है कि वो कहता है ठीक है आई विल मैनेज, मैं सब कुछ कर लूंगा। मध्यम होता है जो समझाने के बाद समझता है ठीक है ये ऐसे हो जाएगा। अवर है जो नहीं समझेगा। हमें इस टाइम इस परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना, हमें प्रवर सत्व बनना है। अगर ये रात आई है तो इसका दिन भी होना है, कोई सारी उम्र कोरोना नहीं चलना है। इसलिए हमें इस बीमारी में जो प्रिकॉशंस दी हुई हैं उनको फॉलो करके और इसको बचना है इससे। कोई सबको ये बीमारी नहीं हो रही है और ये ट्रीटेबल है, सबको कोई मोर्टालिटी भी नहीं हो रही है, इसलिए हमें सिर्फ एक हमें पता है अगर हम प्रिवेंट करेंगे, हम सब कुछ फॉलो करेंगे तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो फिर डरना किस बात का, क्योंकि एक शंका विष मेंशन्ड आयुर्वेद में होता क्या है, मान लो एक रस्सी पड़ी है अंधेरे में, हम उसको देखते हैं, हमें लगता है सांप जा रहा है, वो हमें चाहे काटे ना काटे आदमी उससे डर से मर जाता है। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी दिनचर्या ठीक रखिए, अपनी डाइट ठीक रखिए, खुश रहिए, उससे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है। अब जैसे बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आजकल एडवाइस किए गए हैं, इवन आयुष मिनिस्ट्री की एडवाइजरी को फॉलो कीजिए, उसमें भी काफ़ी कुछ एडवाइस किया गया है।
और आयुष संजीवनी ऐप भी देख सकते हैं, तो उससे भी हाँ हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा कि हमें इतना कुछ करेंगे तो हमें बेटर रहेगा। तो बेसिकली पर्पस वही है, मेंटल माइंड इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बार खुद अपने आप एनालाइज करिए कि मैं क्यों डर रहा हूँ, मतलब इसमें कोई डरने की वजह नहीं है। बीमारियां तो कई आती हैं, पहले भी आती थी, कैंसर होता था, टीबी होती थी, क्या सबको बीमारी थोड़ी हो जाती है, एड्स थी, कितनी भयानक बीमारियां हैं। तो हम उस टाइम तो नहीं डरते थे, हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट तब भी बहुत होते थे। तो इस बीमारी से इतना डरने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रिकॉशंस को फॉलो करो और अपनी बॉडी को स्ट्रांग करो। अगर हमारा किला स्ट्रांग है तो शत्रु अटैक नहीं कर सकता उस पर। मतलब आपका मतलब यही है ना कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए, हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। जी, इम्यूनिटी सिस्टम और मेंटली भी हमें स्ट्रांग होना है, हमें खुश रहना है। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगी। एक गरीब आदमी होता है, वो सूखी रोटी खाता है लेकिन वो खुश रहता है। एक अमीर आदमी है, वो सुपर फूड्स खा रहा है, एसी में बैठा है, सब कुछ कर रहा है, बट मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और वो खुश नहीं है। अगर आप दोनों का इम्यूनिटी लेवल चेक करेंगे वो शायद सेम होगा। तो यहाँ डिफर क्या किया, वो संतुष्टि, वो खुशी, तो वो आपके अंदर आनी चाहिए, उसको नहीं जाने देना है हमें। हमें किसी एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब इस टाइम एक समृद्ध और स्वस्थ भारत बनने का टाइम है, जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग से आएगा। मतलब हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें एक तो एनालाइज हम कर सकते हैं इस टाइम कि हम इतना कुछ किस लिए कर रहे थे, शायद उनकी जरूरत ही नहीं थी। जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो पूरी हो रही है ना, तो टेंशन किस बात की, और हमारा जीवन भी चल रहा है। तो स्ट्रेस, डरना नहीं है इससे, बस मतलब दिमाग पे इस चीज को नहीं लेना। मेडिटेशन करो डेली, अपनी दिनचर्या फॉलो करो, ऋतुचर्या जो भी आयुर्वेद में एडवाइज है, डाइट लो प्रॉपर, एक्सरसाइज करो और अपना कर्म करो जो भी आपने करना, और खुश रहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दुखी नहीं आपने होना है। कहा आयुर्वेद में वर्णित है, तो इसी बात से मैं एक सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहती हूँ, इस महामारी से बचाव के तरीके आयुर्वेद में वर्णित है क्या, क्या उसमें कहा गया है? हाँ, आयुर्वेद में जनपदो ध्वंस के नाम से एक व्याधि वर्णित है, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज बताई है, गर्म पानी पीना। जो आजकल सभी एडवाइस कर रहे हैं कि गर्म पानी पीजिए आप सारा दिन, वैसे भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो गर्म पानी से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाता और किल हो जाता है वहीं पर भी, और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है वो। और जो हमारे मुंह में जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए। और एक चीज़ और एडवाइस की है इस एडवाइजरी में भी, इसमें नोज़ में ऑयल लगाइए आप, उससे किसी भी कोई, वो एक बायोमास का काम करता है। अगर आप जब भी बाहर निकल रहे हैं अपने नोज़ में ऑयल लगा के निकलिए, तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाता। और तीसरी चीज़ जिसमें एडवाइस की गई है, अपने शरीर की रक्षा कीजिए इस टाइम। जब कोई जनपद ध्वंस फैल चुका है, यानी एपिडेमिक हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने शरीर की रक्षा करो। अपने शरीर की रक्षा कैसे, पूरा अपना दिनचर्या फॉलो करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शांति रखो, सद्व्रत का पालन करो, सत्य बोलो, इतना भी मेंशनड है। सत्य बोलो कि आप सात्विक रहेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, तो एक वेलबींग के अंदर एक गुड फीलिंग आती है, नेगेटिविटी नहीं आती, तो उससे भी आपको बहुत बूस्ट मिलेगा कि ठीक है मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सब करने का एडवाइस किया। एक रसायन सेवन मेंशन किया है आयुर्वेद में जनपदो ध्वंस में, इसमें आप जैसे च्यवनप्राश मेंशन किया गया है, या दूसरे कई रसायन है, गिलोय है, वो आप नॉर्मली सभी ले सकते हैं। मेंटली वो ब्रेन टॉनिक भी है और बॉडी के लिए भी टॉनिक है। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है वो अश्वगंधा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लीजिए, अपना रूटीन ठीक रखिए और खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बहुत 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 शुक्रिया, इतने अपने शेड्यूल में से, टाइट शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला हमारे लिसनर से बात करने के लिए, उसके लिए हम वाकई आपके तहे दिल से बहुत आभारी हैं। और डॉक्टर रीना, आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं अपने तमाम लिसनर्स को एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि आज हमसे बात कर रही थी आयुर्वेद के कॉमन टिप्स के बारे में डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो की आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है। आज काफी समय निकाला उन्होंने हमारे लिए, उसके लिए हम वाकई तहे दिल से पूरी की पूरी टीम की तरफ बहुत आभारी है। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद ब्रिजेश, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।